आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में फतह के बाद अमेरिका के सदर मुंतखब। क्या ट्रंप की फतह के बाद पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर कोई किसी किस्म का असर हो सकेगा? शहर इक्तदार के मकीन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सलीम से। अमेरिका के सदारती इंतखाबात मुकम्मल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 295 इलेक्ट्रल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। क्या ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान की मईशत और सियासत पर कोई मुस्बत असर पड़ेगा? आइए जानते हैं आवाम की ज़बानी। अमेरिका जो है उसकी एक अपनी पॉलिसीज है, वहाँ की जो खासकर एस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है, कोई भी नया आने वाला बंदा अपनी मर्जी से उस तरह से सारा चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि वो जो है जंग नहीं चाहता किसी भी जगह। उसने ऐलान किया हुआ है कि वो सारी जगह जो है जंगें क्लोज करेगा। फेसबुक वगैरह पे हम देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब आ जाए तो बेहतरी ला सकता है पाकिस्तान के लिए। मैं तो नहीं समझता कि अमेरिका की पॉलिसी कभी चेंज हो सकती है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो भी आया हो। उम्मीदें तो हर बंदे को किसी न किसी, हम पाकिस्तानी तो लगा लेते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। ये थोड़ा मौजूदा हुकूमत थोड़ा सा फर्क पड़ा, इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा इससे, जो कुछ जैसे इंटरेस्ट रेट कम किया थोड़ा सा इन्होंने, कमीशन थोड़ी बेहतर होगी, इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन महंगाई में कंट्रोल नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि ट्रंप की इलेक्शन में फतह खुश आइंद है, उम्मीद है अब पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ वकार सलीम, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।